महादेव की जय। महर्षि वाल्मीकि प्रभु रामचंद्र जी को स्थान दिखा रहे हैं और हम लोगों ने पांच स्थानों का वर्णन देख लिया है। ये स्थान मतलब पांच प्रकार के साधक है और उन साधकों का हृदय है। बार बार हम लोग ये बात देख रहे हैं। परमात्मा हृदयस्थ है लेकिन अनुभव यदि नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि ये साधना यदि आप करें जो यहां बताई गई है तो हमको परमात्मा की अनुभूति होगी। अनुभूति का अर्थ है कि वह हमसे दूर नहीं है। प्रायः हम लक्ष्य को लेके गोल को लेके यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत दूर है बहुत दूर है, लेकिन अपने शास्त्र कहते हैं लक्ष्य आपको मिला हुआ ही है। प्राप्तस्य प्राप्त, अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं है, प्राप्तस्य प्राप्ति है। प्राप्ति दो प्रकार की है ना, एक तो कहीं जाकर किसी चीज को प्राप्त करना और दूसरा मिली हुई चीज को प्राप्त करना। मिली हुई चीज अनमिली सी है। चश्मा आपने कान पे लगा हुआ है लेकिन हम चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा ढूंढ रहे हैं, अरे वहीं पर है। बार बार यहां आ रहा है कि तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोई, उनके हृदय में आप रहिए। तो क्या हृदय में नहीं है क्या? मतलब अब जब वाल्मीकि जी कहेंगे तब भगवान सबके हृदय में जाके बैठेंगे, ऐसा है क्या? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हृदय में है। हृदय में है मतलब यदि अंतर्मुखी हो जाए तो हमको ये स्पष्ट दिखेगा। कहते ना करामलकवत अस्तामलकवत, जितना स्पष्ट हाथ के ऊपर आंवला दिखता है उतना स्पष्ट भगवत तत्व का दर्शन होगा। अब यहां पर कहा कि देखिए गृहस्थ व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है, केवल ये सन्यासियों के लिए साधुओं के लिए ऐसा नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि जो पूरे परिवार सहित पूजा करता है, फिर तर्पण होम सब वैदिक कर्म करता है, यज्ञ याग इत्यादि अग्निहोत्र और समय समय पर पूजा अलग अलग उत्सवों में, फिर जो कुछ भी वो वस्तु लाता है उसको भगवान के सामने रखता है और इस भाव से ग्रहण करता है कि ये आपकी कृपा है, तो ये सब एक गृहस्थ व्यक्ति करता है, उसको करना चाहिए। सद्गृहस्थ का यही लक्षण है, पिछले सत्संग में हमने चर्चा की थी विस्तार से। और सबसे महत्वपूर्ण बात
ये सब कुछ वो कर रहा है कहीं स्वर्ग आदि लोक में जाने के लिए नहीं, या कोई लौकिक उपलब्धि के लिए नहीं, बस भक्ति बढ़े, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। तुलसीदास जी हमेशा एक ही विनती करते हैं, आपके चरणों में हेतु रहित प्रेम बढ़े। हेतु रहित, हेतु रहित मीन्स विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेसली आई मस्ट लव यू विदाउट एनी स्वार्थ। बस जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, अपना शरीर हमको अच्छा लगता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, बोले बस वैसे ही भगवान आप हमको प्रिय लगने लग जाए। काम ही प्यारी नारी जिमी प्रिय लागहु मोहि राम, बस राम जी प्रिय लगने लग जाए, उससे बढ़िया उससे मधुर कोई है नहीं, ये प्रमा बन जाए, ये फॉर कन्विक्शन बन जाए। यदि कोई प्रेमास्पद वस्तु है, प्रेम करने योग्य कोई चीज है, तो बस भगवान है, क्योंकि वह अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान यदि बीठे हैं तो प्रेम तो सहज होगा ना, लेकिन यही दुर्घटना घटती है, भगवान के इस मधुरता को हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए प्रेम नहीं हो पाता। माधुर्य यदि उनका समझ में आ जाए तो फिर सहज ही उनके प्रति प्रीति होगी। तो यहां पर कहते हैं उनके माधुर्य को समझने के लिए ये सारी साधना कीजिए। और सब करिमा गहु एक फल राम चरण रति हो, ऐसा जो है उसके हृदय में आप रहे। अब अगला छठा घर, सिक्स्थ घर, ये क्या है जरा इसको देखते हैं। 129 के बाद के जो की जो चौपाइया है उनको, काम कोह मद मानन मोहा लोभन छोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसउ रघुराया। अब ये दो चौपाइयों में छठा घर, तिनके हृदय बसउ रघुराया, आप उनके हृदय में रहिए। किनके हृदय में? तो यहां पे बहुत भारी भारी शर्तें लगा दी है, बोले जिसके हृदय में, अब गिन लीजिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में काम नहीं है, कोह नहीं है, कोह मतलब क्रोध, मद नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, पांच चीजें तो गिन डाली, पांच, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, पांच और चार नौ, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, नौ और तीन बारह, कपट दंभ और माया, ये जिनके हृदय में नहीं है भगवान, आप उस हृदय में जाइए, वहां पे आपका वेलकम होगा, आपका स्वागत होगा। आप देखिए ये तो बहुत ही कठिन है, बारह चीजें जिसके हृदय में नहीं है। अब अपने अपने हृदय में झाके तो बारह तो ये है ही, प्लस मालूम नहीं इसके और बच्चे कच्चे बहुत हैं। तो बड़ा ही, अरे भाई अब भगवान को यदि लाना है तो ऐसे कचरे में कैसे आप बिठा सकते हो, कैसे ला सकते हो? सामान्य व्यक्ति भी वहां जाना पसंद नहीं करता जहां बहुत गंदगी है। तो ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को यदि हृदय में लाना है और सारी अशुद्धियां हैं तो कैसे आएगा? तो अब ये विचार करने योग्य है ये पंक्तियां। अब इसमें एक बात सबसे पहले देख लीजिए,
कि यहां पर कोई भी क्रियात्मक साधना वो करता है ऐसा नहीं बताया कि वो जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, पूजा कर रहा है। ये सारा वर्णन केवल अंतकरण का है, जिसका अंतकरण धुल गया है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन एकदम गंगा जैसा, जैसी वाहे गंगा तैसे तैसे मन तुम्हारा मारा जाए, तो ऐसा निर्मल यदि मन हो जाए तो भगवान खुद उसके पास में जाके दौड़ते हैं, कहते हैं आप मुझको रख लीजिए अपने हृदय में, है ना। कितनी अद्भुत बात है। पहली बात यहां पर है कि क्रिया का जो फल होता है वो फल मिल चुका है, है ना। जो हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसका जो फल होना चाहिए आत्मशुद्धि वो मिल चुकी है। उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, भगवत गीता में भगवान कहते हैं छठे अध्याय में कि आप बैठिए। कहां बैठिए? टीवी के सामने? बोले नहीं, आप एकांत में बैठिए। एकाकी रहसि स्थितः विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जनसंस। अच्छा, बोले बैठिए, बैठ गए फिर क्या करें? युंजात, अपने मन को जोड़े। किससे जोड़े? अपने आप से। हम अपने आप से ही बहुत दूर हो गए, तो बोले आत्मोन्मुखी मन को करें। लेकिन प्रश्न आया किसके लिए, क्यों करें? तो वहां लिखते हैं आत्मशुद्ध ये, अंतकरण की शुद्धि के लिए। तो कोई ध्यान कर रहा है शुद्धि के लिए, कोई और कुछ कर रहा है, तो जब तक शुद्धि नहीं होगी ये भगवान यहां बैठेंगे नहीं। अच्छा, अब यहां पर एक एक विकारों का नाम लिया, बोले ये विकार को आप हटाइए। पहला ही जो विकार है वो है काम, कामनाएं। बोले कामना, जिसके हृदय में बहुत ज्यादा कामना है, बोले वहां मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपनी कामनाओं को पूर्ण करने से फुर्सत नहीं है, तो मेरी ओर क्या देखेगा। ही इज क्या कहते, बिजी पर्सन। एक एक कामना आ रही है उसको, वो पूरा करने के लिए भाग रहा है यहां से वहां, वहां से वहां, तो कहां ध्यान भजन करेगा। तो यहां पे सबसे पहली बात बताइए, कामना नहीं है। अब ये देखिए, ये साधना का परिणाम है उसके, निष्काम हो गया उसका मन। तो एक संत से किसी ने कहा कि आप कोई श्रवण करते नहीं, श्रवण की साधना, तो उन्होंने कहा कि मेरा अज्ञान दूर हो गया है तो मैं श्रवण क्यों करूं। बोले आप मनन नहीं करते, चलो श्रवण नहीं तो मनन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में कोई संशय ही नहीं है तो मनन की क्या आवश्यकता, क्योंकि मनन से संशय दूर होता है। बोले आप निधिध्यासन कीजिए। उनका निधिध्यासन की क्या जरूरत है? निधिध्यासन तो वो करे जिसके भीतर विपर्य नाम का दोष है। विपर्य मतलब विपरीत भावना, एरोनियस नोशन, गलत समझ कि मैं शरीर हूं, मतलब विपर्य है, विपरीत। मैं मानता ही नहीं अपने को शरीर, तो मैं क्यों ध्यान करूं। एक दिन का अंतकरण की शुद्धि के लिए आप कुछ भजन कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए। उन्होंने कहा मैंने अंतकरण को कब से छोड़ दिया है, अंतकरण में मेरी कोई आसक्ति ही नहीं है, कोई तादात्म्य ही नहीं है। तो अब देखिए,
मतलब जितनी साधनाएं थी उन साधनाओं का परिणाम उनके जीवन में आ गया, तो अब उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कामना नहीं है, ये परिणाम उनके हृदय में आ गया है क्योंकि आत्म रूप से भगवान का ज्ञान हो गया है। आपको स्थित प्रज्ञ लक्षण मालूम है श्लोक, उसमें आता है पहला ही, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट तप प्रज्ञ स्तरोच्च। जिसकी कामनाएं छूट गई, छोड़ी नहीं, अपने आप छूट गई, क्योंकि उसको इतना बड़ा सुख मिला है, आनंद मिला है कि छोटी छोटी कामनाएं क्या पूरी करे। कामना को जबरदस्ती से उसने निकाला नहीं है, ध्यान रखना, कामना निवृत्त हो गई, स्वतः निवृत्त। क्यों? ये ज्ञान का फल है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मधि गच्छति। विहाय कामान्य, जिसे कामनाएं अपने आप छूट गई और अहम मम भाव उसमें है नहीं, तो कामनाएं क्यों आएंगी? स शांति मधि गच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। शांति को प्राप्त करता है मतलब यही, उसके हृदय में भगवान विराजते हैं। ध्यान रखना, ये जो कामना है इसका अंकुरण अभाव के चित्त भूमि में होता है। मतलब अभाव, यदि अभाव की अनुभूति सतत है तो फिर कामनाएं आई। जिसका घर बिल्कुल भरा हुआ है धन धान्य सबसे, उसको क्यों कामना आएगी कि मुझको धन चाहिए, अन्न चाहिए, ऑलरेडी देयर। हाँ, जो गरीब है भिखारी है उसके मन में बार बार इच्छा है कि अब मुझको धन कहां से मिलेगा, अन्न कहां से मिलेगा, उसके भीतर उसकी इच्छा है क्योंकि उसके पास उसका अभाव है। जैसे अपने पास है उसकी कभी इच्छा होती है क्या? अब मेरे पास एक कुर्ता है, अब इसी कुर्ते की इच्छा मैं कर सकता हूं, दूसरे कुर्ते की कर सकता हूं, लेकिन इसी कुर्ते की नहीं, ऑलरेडी देयर। तो अभाव यदि है, आनंद का अभाव, तो फिर कामना आती है। गुरुदेव बड़ा अच्छा कहते थे, अरे ये कामना क्या है, ये एक इट इज लाइक प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आप जो बॉस है उसको कुछ ना कुछ सजेशन देता रहता है, सर आप ये कीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, अब वहां जाइए तो ठीक हो जाएगा। तो कहते थे ये कामना बार बार मन को कहती है, सर एक कप कॉफी पी लीजिए, यू विल बी ऑल राइट। हाँ, ये कामना ने क्या किया, जो शांति से बैठा हुआ व्यक्ति था उसको उठाया। दिन में ऑलरेडी 2-3 बार कॉफी पी चुका है, लेकिन अब फिर इच्छा आ गई तो इच्छा ने सजेशन दिया, उठा व्यक्ति। इस तरह ये काम जो है व्यक्ति को उठाते रहता है, ये करो वो करो, वहां जाओ इससे मिलो, ये लेके आओ। काम बहुत काम कराता है, इसलिए यहां पर कहते हैं कि कामना का अंत हो तो भगवान कहते फिर आप निश्चिंत शांत होंगे तो मैं आऊंगा उसमें। इसलिए काम न, और ये काम का विकार मतलब क्या है, आनंद की खोज है। कामना का विकार मतलब आनंद की खोज, अभी आनंद नहीं है, इच्छा पूर्ति होने पर आनंद मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि अभी प्रेजेंट में आई एम नॉट हैप्पी। तो निरंतर हम खोज में ही लगे रहते हैं। गुरुजी अच्छा कहते हैं, हमेशा हमारा आनंद भविष्य में ही रहता है, वर्तमान में नहीं। ये करेंगे तो मजा आएगा, वो करेंगे तो मजा आएगा, तो अभी क्या है, नहीं नहीं अभी तो ठीक ठाक है। तो मन में सतत कल्पनाएं आती रहती है, भविष्य में हम धकेलते रहते हैं आनंद।
कामना ये काम बड़ी कुशलता से करती है, लेकिन जिसका हृदय निष्काम हो गया है, देखिए विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट गोइंग टू एनी प्लेस, ही इज हैप्पी, निष्काम। अच्छा, ये कामना एक ऐसी चीज है, याद रखिएगा, ये स्वाभाविक नहीं है। कामना स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है। ये फर्क जानते हैं ना आप, नैमित्तिक और स्वाभाविक। नैमित्तिक मीन्स बिकॉज ऑफ समथिंग, और स्वाभाविक मतलब नेचुरली। तो याद रखना, व्यक्ति का स्वभाव है निष्काम। ध्यान से सुनिएगा इसको, जो चीज स्वाभाविक होती है ना, वह निवृत्त नहीं होती। जो चीज स्वाभाविक होती है वो निवृत्त नहीं होती। अब कामना निवृत्त हो जाती है, मतलब आई और गई। जैसे आकाश में मेघ आते हैं और जाते हैं, आकाश का स्वभाव मेघ नहीं है, वो तो एक आगंतुक चीज है, इट इज लाइक अ गेस्ट। गुरुदेव का है ना कि ये जितने कंफर्ट्स दे कम एज ए गेस्ट, और फिर एनस्लेवर्स, वो आते हैं मेहमान की तरह और हमको ही गुलाम बना देते हैं। ये कामनाएं भी ऐसी है। तो कामना स्वाभाविक यदि होती तो ऑलवेज वो रहती। जैसे शकर का धर्म मीठा से तो स्वाभाविक है, तो हमेशा है मीठी, चाहे दिन में खाइए, रात में खाइए, सुबह, दोपहर, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, कोई भी तिथि को खाइए, कोई बड़ा खाएगा, बूढ़ा खाएगा, छोटा खाएगा, सबको मीठी लगे, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो कामना यदि हमारा स्वभाव होता ना, तो आप भूल जाइए ये पंक्ति, कामन क्रोधनम लोभनम हुआ, क्योंकि संभव ही नहीं है। जैसे शकर को कहा कि तुम्हारा मिठास निकाल देते हैं, वो रहेगी नहीं। तो ये कामना निमित्त के कारण आती रहती है, जाती रहती है। और ये गुड न्यूज है ना, यदि कामना ये हमारा नेचर होता तो कंटिन्यूअसली हम एजिटेटेड रहते, सतत हम दौड़ते भागते ही रहते, शांति से बैठ ही नहीं सकते, और किसी को शांति का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि नेचर है कामना। तो शांति कैसे, शांति और कामना दो विरोधी चीज। तो यदि ऐसा हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, कामना आई है और वो जाएगी भी, आती है जाती है। अब जिसके अंतकरण में ये बात घट गई, घट गई मतलब जिसने ये देख लिया, घटके मतलब कम होना नहीं, लागू होना। तो जहां पर, अच्छा चलिए कामना खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन कामना की संख्या कम तो हो सकती है ना। दो चीज अपने हाथ में, कामना की संख्या कम करना और कामना की दिशा मोड़ना। देखिए कामना खराब चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है। यदि कामना अच्छी विषय की हो तब तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। सत्संग की कामना, भगवत दर्शन की कामना है, बहुत अच्छी। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने ये काम किया है, इसलिए भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कामनाओं की डायरेक्शन हमको चेंज करनी, नहीं तो वो ययाति का उदाहरण दिया हुआ है, उसने भोगों को भोगने के लिए अपने लड़कों से क्या ली, युवावस्था, बोले आप मुझको युवा बनना है, अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ माने। हविषा कृष्ण वर्तमे वो भूय एवा विवर्तते, अग्नि में जैसे ईंधन डाल के कोई चाहे कि उस अग्नि बुझ जाएगी, वैसे कामनाओं को पूर्ण करके कोई चाहेगा कि वो तृप्त तो हो जाएगा, बोले होता नहीं। जितनी कामनाएं तृप्त तो होती है और कामनाएं उसमें निकलती है। शायद हमने पहले कभी कहा होगा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि कामना का पेट मत भरो,
कामना का पेट फाड़ दो, पहले भी मैंने बताया है, कामना का पेट उसकी एपेटाइट बहुत है, जितना आप डालो कहीं कहीं आने दो आने दो, कामना का पेट फाड़ना पड़ेगा। कामना का पेट फाड़ा जाता है ज्ञान से, जहां ज्ञान हुआ तो वहां उसको आनंद का अनुभव होगा, तो फिर कामनाएं अपने आप विलीन। इस तरह यहां पर पहली ही बात कह दी कि जिसके हृदय में काम नहीं है। अच्छा, फिर आगे चलिए, कामन कोह, कोह मतलब था क्रोध, जिसके हृदय में क्रोध नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आप उसके हृदय में जाके बैठिए, अब भगवान लेके जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं किसके हृदय में क्रोध, हालांकि उनको देखने की जरूरत नहीं है, ये अंतर्यामी है, लेकिन जहां क्रोध का अभाव है वहां आनंद का अनुभव। क्रोध जो है वो विक्षिप्त करने वाला है, आदमी को अस्वस्थ करने वाला, अशांत करने वाला है। तो कहा कि जहां क्रोध है वहां मैं नहीं रह सकता। अब बताइए, क्रोध तो हम लोगों का बड़ा बढ़िया मित्र है, फ्रेंड है, बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात थोड़ी थोड़ी चीज, नमक कम हुआ तो गुस्सा, नमक ज्यादा हुआ तो गुस्सा, हर क्षण में कोई ना कोई कारण से हम अपने मन को अस्वस्थ करते रहते हैं। एक संत हमेशा कहते रहे कि क्रोध जो है वो इशू बेस्ड हो तो ठीक है, कोई इशू, कोई उच्च इशू। अब गुरुदेव भी गुस्सा करते थे, विश्वामित्र ऋषि गुस्सा करते हैं, दुर्वासा ऋषि गुस्सा करते हैं, भरत जी को गुस्सा आया अपनी माता पर, क्रोध, माता न तू वैरिणी, उन्होंने मां कहना छोड़ दिया कहीं कहीं, इतना गुस्सा आया था क्रोध। शत्रुघ्न जी को इतना गुस्सा आया, एक बार ही क्रोध आया रामायण में, आप देखिए मंथरा के ऊपर उन्होंने लात मार दी, उसकी जो कुबड़ है वो टूट गए। तो वहां क्रोध का कारण क्या था, स्वार्थ या उनकी स्वयं की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध आया, ऐसी बात नहीं। राम जी को दुख मिल रहा है, राम जी का अपमान हो रहा है, तो क्रोध के पीछे भी कारण क्या है ढूंढना पड़ेगा। बड़े कारण से यदि कोई हम क्रोध कर रहे हैं तो अलाउड, इसलिए हम हमेशा कहते हैं एक होता है क्रोधित होना और एक होता है क्रोध करना, एक होता है होना और करना। हम लोग गुस्सा होते रहते हैं, गुस्सा करना तो बढ़िया चीज है, किसी अनुशासन के लिए, किसी को कुछ चीज सिखाने के लिए क्रोध तो करना ही चाहिए, क्रोध से काफी चीज ठीक हो जाती है। बच्चों पर यदि गुस्सा नहीं करेंगे तो वो सुधरेंगे कैसे, पुलिस यदि गुस्सा नहीं करेगा तो अनुशासन कैसे आएगा। तो क्रोध भी एक ताकत है, उसका यूज करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा वाक्य बोला कि आई कीप एंगर इन माई पॉकेट, व्हेनेवर आई वॉन्ट टू यूज इट आई यूज इट एंड अगेन कीप इट बैक। ये क्रोध यदि अपने वश में हो तब तो बहुत अच्छा है, उसका उपयोग करो और छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, प्रायः जो क्रोध हमको आता है वह हमारी इच्छा पूरी न होने के कारण आता है। कामात क्रोधो भी जायते, याद रखिएगा, ये क्रोध वृत्ति काम की अनुगामी है, अनुगामी मीन्स फॉलो। कामना यदि नहीं हो तो क्रोध का कोई सवाल ही नहीं। जरा देखिए अपने आप को, गुस्सा कब आता है अपने आप हमको, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। इसका सीधा मतलब क्या है, हम अपनी इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर पा रहे इसलिए बार बार क्रोधित हो रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा, अपनी इच्छाओं को हम ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। यदि ड्रॉप कर दे तो गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन इच्छाओं को इतना पकड़ के रखा हुआ है और इतने आग्रही है, नहीं नहीं हमारी इच्छा है तो पूरी होनी चाहिए। अब जब वो होती नहीं है तो काम का ही दूसरा रूप सामने आता है, वो है क्रोध। लेकिन किसी के मन में इच्छा आई और उसने उसके प्रति उतना आग्रह नहीं हो रखा, और यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो जरा आप सोचिए, कोई गुस्सा आएगा क्या जाता है, बोले इट्स ओके। अपने भीतर की ये सब क्या है, साइंस है, भीतर का मैकेनिज्म है, अंतकरण का। उल्टा करके देख लीजिए, जिसने इच्छा पूरी की उसके ऊपर क्रोध करके देखिए, होगा कभी? ये बिल्कुल पक्के नियम है, कामात क्रोधो भी जायते। जो आपकी इच्छा पूरी कर रहा है उसको जरा डांट लगा के देखिए, क्यों इच्छा तूने पूरी? ऐसा होता नहीं, बल्कि उसके प्रति प्रेम आता है, आहा कृतज्ञता आती है, वाह वाह तुमने हमारी इच्छा का आदर किया, सम्मान किया और मुझको सुख दिया। तो काम की अनुगामी वृत्ति है क्रोध, इसे काम एष क्रोध एष, गीता के तीसरे अध्याय में देखिए, काम ही क्रोध है इन अनादर फॉर्म। अच्छा, काम की ही अनुगामी वृत्ति है लोभ, लोभ आगे लिखा है ना, कामन कोह माद मन मोह, उसके बाद लोभ, ये मद मान मोह लोभ सब काम के ही क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है। अब जैसे लोभ की बात करें, लोभ मतलब क्या है, ग्रीड, यह निश्चय हो जाना कि यह वस्तु सुखद है। ध्यान से सुनिए, एक बार ये निश्चय हो जाए कि यह वस्तु परिस्थिति सुखद है तो बार बार उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, अधिक अधिक प्राप्त करने की इच्छा है, उसको कहते हैं लोभ। लोभ जो है ना संग्राहक वृत्ति है, संग्रह करने के लिए प्रेरित करती है, कलेक्ट कलेक्ट, लालची व्यक्ति खूब इकट्ठा करता है, धन का लालची, इतना धन है इतना धन है, फिर भी वो चिंतित है। बोले क्यों चिंतित है, 7 पीढ़ी तुम खा सकते हो, इतना धन है। बोले 8वीं पीढ़ी की चिंता है, बताइए अभी उसको और इकट्ठा करना है। अब यदि कामना ही नहीं होती, याद रखिएगा, तो लोभ कैसे आएगा? काम्य वस्तु के प्रति हमारा लोभ होता है, वस्तु की कामना की, वस्तु सुखद लगी और चाहिए। निष्काम व्यक्ति तो संतोषी होता है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, उसके अंदर आ जाता है संतुष्ट सततम योग। लोभ की उल्टी वृत्ति है संतोष, जो बहुत ज्यादा कामी होगा वो कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकता। तो काम का ही दूसरा रूप क्या है, लोभ। फिर यहां लिखते हैं क्रोध का हमने अर्थ देख लिया, काम को हम्मद, ये एक एक वृत्ति के ऊपर घंटों चर्चा हो सकती है, इसके ऊपर चिंतन कीजिए। मद मतलब एक तरह का क्या है, नशा है। बहुमन्य माना, जब हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं उसको कहते मान। अच्छा, और एक और बात है, अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा पूरी होते रहती है तो मद आता है। जो इच्छा की वो पूरी हो गई, जो इच्छा की वो पूरी हो गई, तो एक नशा आ जाता है, व्यक्ति मतवाला हो जाता है, मतवाला। अब रावण की सारी इच्छाएं पूरी होती चली गई तो नशा आ गया कि मैं ही भगवान हूं। तो काम के कारण ही लोभ है, मद है, क्रोध है, गुस्सा।
दुर्योधन को बार बार गुस्सा आ रहा है, क्यों? पांडवों पे गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो बनना चाहता है युवराज, इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए क्रोध आ रहा है। कैकेयी की इच्छा थी भरत जी राजा बने, इसलिए बताइए राम जी को वन में भेज दिया, और जिसने उसका विरोध किया फिर उस पर नाराज हुई। तो अर्थ ये है कि ये सबका लीडर कौन है काम, इसलिए भगवान के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं काम, यहीं से शुरुआत कीजिए, काम कोह मद मान न मोहा। मान जिसके हृदय में नहीं, मान मतलब ये अभिमान, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, मान, लोभ, क्षोभ, शोभ होना, एजिटेशन, जिसके हृदय में ये सब नहीं है, राग न द्रोहा, राग द्वेष नहीं है। अब ये राग द्वेष भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते रहते हैं, लाइक्स डिसलाइक। अब ये भी देखिए काम का ही दूसरा रूप है, जिस व्यक्ति वस्तु की इच्छा हमको हो रही है और वो इच्छा जो है पूरी हो गई, वस्तु मिल गई, तो वस्तु में क्या हो जाएगा? राग। अच्छा, और यदि राग हुआ है तो द्वेष पक्का है। हमारा जिसके प्रति राग है, प्रेम है, वो यदि किसी दूसरे ने ले ली तो क्या होगा? द्वेष आएगा कि नहीं? लेकिन यदि राग ही नहीं है तो बेटी कोई भी ले ले, हमको क्या है? राग न दो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे। राग न दो, ठीक है। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, अब ये कपट दंभ और माया ये तीन वृत्ति है, और ये तीनों के तीनों वृत्ति कैसी है? बोले तो एक ही जाति की वृत्ति है, एक जाति है, कपट दंभ और माया, ये क्या एक जाति है इनकी? बोले ये तीनों के तीनों व्यक्ति को, व्यक्ति का पतन कराती है, भगवान को ढक देती है। कपट मतलब क्या है? मन में कुछ है, दिखाना कुछ है, ये कपट। ये पट मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र से अपने शरीर को झाकते हैं, ढकते हैं, हम जमीन को ढक देते हैं, वस्त्र डाल देते हैं, तो वैसे कपट क्या करता है? मन को ढक देता है। मुंह में राम, बगल में छुरी, वचसी अन्यत और मनसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, यह है कपट। वाणी में कुछ, मन में कुछ, क्रिया में कुछ, और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते ये होगा तो बिल्कुल तुमने अपने मन के कपाट बंद कर लिए। कपाट मतलब दरवाजा, आई कांट कम, तो कपट नहीं हो। फिर कहते दंभ, दंभ मतलब क्या? शंकराचार्य जी ने दंभ शब्द का अर्थ किया है अपने भाष्य में, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम, अपने धर्म को प्रकट करना, उसको कहते दंभ। अब धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब अपना स्वभाव, अपने गुण, बोले अपने गुणों को, धर्मों को, अच्छाइयों को जो प्रकट करता है ये दंभ है। अब किसी ने कहा हमारा ये तो ठीक ही बात है ना, हमारा ये गुण है अच्छा तो क्यों ना प्रकट करें, इसको आप दंभ क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुनना, इसके पीछे बहुत बढ़िया एक नियम है। यहां पर जो कह रहे हैं, यदि किसी में विनय का गुण है, क्षमा का गुण है, तो जोर जोर से वो बोल के बताए ना, प्रकट न करें, क्योंकि उसके पीछे का नियम ऐसा है, जिस चीज को हम प्रकट करते हैं वो बहिरंग हो जाती है, बाहर हो जाती है, बाहर चली जाती है। जिस चीज को हम प्रकट नहीं करते वो अपने पास ही रहती है, अंतरंग होती है। ये एक बहुत बढ़िया नियम है, इसके ऊपर विचार कीजिए आप।
पुण्य यदि बहुत ज्यादा आप प्रकट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो पुण्य बाहर निकल के क्या हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप उसको छिपा रहे हैं तो वो अंतरंग में, अंतकरण में बढ़ते जाएंगे। इसके ऊपर आगे और चिंतन करेंगे कभी। बहिरंग हो जाना तो घर से बाहर निकाल देना, तो अच्छी चीजें हम बोल रहे तो बाहर तो मन खाली हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पाप, यदि पाप का प्रकटीकरण हो जाए तो पाप जो है वो चला जाता है। पाप करते हुए यदि किसी ने देख लिया हमको तो हम डर जाते हैं और फिर उसको करने में हिचकते हैं। लेकिन पाप यदि हम एकांत में कर रहे तो बढ़ते जाएगा, वो अंतरंग हो जाएगा। विचार कीजिए इसके ऊपर। तो गड़बड़ चीजें यदि प्रकट हो रही तो वेरी गुड, अच्छा है। तो दंभ का मतलब ये है कि इन अच्छी चीजों को प्रकट करके, बोल करके व्यक्त न करें। एक राजा नहुष था, वो पहुंच गया स्वर्ग में, इंद्र को ईर्ष्या हुई। अब बोले इसको नीचे ढकलना है तो क्या करें। उसके पुण्यों के बारे में उसने चर्चा शुरू कर दी, तुमने क्या क्या पुण्य किए, तुम यहां कैसे पहुंचे। उस राजा का नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, शायद नहुष। वो सारे अपने पुण्य बताने लगा और सारे पुण्य बताने से क्या हो गया, उसके पुण्य क्षीण हो गए। इंद्र ने धक्का दिया तो गिर गया नीचे, स्वर्ग से नीचे, इसी कथा है। स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्व, तो जिनके कपट दंभ नहीं माया। माया मतलब अन्यथा प्रकट करना। लोग बोलते नहीं बड़ा मायावी है, जरा इससे सावधान रहना, बोलता कुछ है करता कुछ है। ये जादूगर भी क्या होते, मायावी होते हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ है। शूर्पणखा है, पूतना है, जितने असुर है, ये सब मायावी। व्हाट डू यू मीन बाय माया? सही चीज को न दिखा के कुछ और दिखाना। तो बोले ये माया जिसके हृदय में नहीं है, जो यथार्थ जीवन जीने वाला, जैसा है वैसा। तिनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय में आप रहिए। तो शॉर्ट में क्या हुआ, जिसने अपने अंतकरण को सजाया है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जिसका हृदय निष्काम है, जिसके हृदय में क्रोध नहीं है मतलब शांत है, मद नहीं है मतलब जो डाउन टू अर्थ है, मोह नहीं है मतलब ज्ञानी है, लोभ नहीं है मतलब संतोषी है, राग द्वेष नहीं है मतलब समभाव में रहने वाला है, हो गया ना। अब ऐसा बढ़िया क्वालिटी का मन यदि है तो भगवान क्यों नहीं रहेंगे उसमें। तो तिनके हृदय बसो, ये छठा घर हुआ। सातवां घर क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बस पूर्ण करेंगे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब प्रसन्न सागारी, कही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। अब यहां पर भी उसके स्वभाव का वर्णन है। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिन के मन माई, तीन चौपाइयों में वर्णन है। बस शब्दार्थ करके पूर्ण करते हैं। सबके प्रिय भगवान, किसी ने कहा आप बहुत कठिन कठिन बातें बोल रहे हैं। भगवान को हृदय में लाना है तो यहां शर्त क्या लगा दी, जो सबका प्रिय है भगवान उसके हृदय में रहते हैं। अरे बोले ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सबके प्रिय। कृष्ण भगवान भी कहां सबके प्रिय हुए, राम जी कहां सबके प्रिय हुए, कोई प्रश्न करेगा ये? राम और कृष्ण यदि सबके प्रिय नहीं हो सकते तो आप हमसे कैसी अपेक्षा करते हैं? देखेंगे आगे। तो बोले जो सबका प्रिय है उसके हृदय में आप बैठ जाइए। फिर सबके हितकारी, जो सबके हित में लगा हुआ है,
तीसरी शर्त लगा दी, दुख सुख सरीस, दुख और सुख जिसके लिए बराबर है। महाराज ये भी तो बहुत ही कठिन, कहां दुख और सुख कैसे बराबर होगा, दुख दुख होता है सुख सुख होता है, हेडेक और आइसक्रीम खाना एक ही है क्या, हेडेक इज इक्वल टू आइसक्रीम या जो भी आपको सुख दुख, हेडेक इज हेडेक, यानी कि दुख सुख दोनों क्या है, समान है। फिर प्रशंसागारी निंदा और स्तुति में भी कहता है दोनों बराबर ही एक ही चीज है, क्या बात कर रहे हैं दोनों एक है, निंदा कोई कर रहा है बोले इट इज इक्वल टू प्रशंसा, हाउ कैन, दोनों को समान मान रहा है, प्रशंसा गारी, गारी मतलब गाली, एक होती है ताली एक होती है गाली, कभी मिलती है ताली कभी मिलती है गाली, तो बोले ये उसमें समान रहता है। और कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, बोलता है सबसे बोलता है लेकिन बोलने की कला वो जानता है, बोलने का ढंग उसको मालूम है, क्या करता है विचारी, विचार करके बोलता है और फालतू में झूठ नहीं बोलता, हर चीज में झूठ, झूठ भी नहीं है उसकी वाणी में, अविचार भी नहीं है और कटुता भी नहीं है, कड़वा नहीं बोलता कठोर नहीं बोलता, प्रिय वचन, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी, सोते जागते आपकी ही शरण, और तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, उसको आप को छोड़कर और दूसरी कोई गति नहीं, कोई गोल नहीं, लक्ष्य नहीं, ऐसा यदि किसी का जीवन है तो भगवान आप उसके हृदय में जाके बैठ जाइए। बोले तो बड़ा कठिन है, सबके प्रिय सबके हितकारी, अब देखिए इसका क्या अर्थ है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ये यदि जीवन में आ जाए तो व्यक्तित्व हमारा बिल्कुल निखर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब मैं आगे ही चर्चा करूंगा, आज यही रुकते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।